अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा YouTube चैनल है। आप सब दोस्तों गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। जहर की नमाज का वक्त अबू हुरैरा दोनों कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदश्तद अलहरु फअबरिदु बिस्सलाति फइन्ना शिद्दत अलहरा मिन फीहि जहन्नम। जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो जहर की नमाज़ ठंडे वक्त में पढ़ो, इसलिए कि शिद्दत गर्मी दोजख की भाँप है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हमने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे कि जोहर के वक्त जब मुअज्जिन ने अज़ान देने का इरादा किया तो आपने उससे मुखातिब करके फरमाया, वक्त को ठंडा होने दो। फिर जब उसने दोबारा अज़ान देने का इरादा किया तो रसूलुल्लाह ने फिर उस तरह फरमाया और इतनी देर हुई कि हमें टीलों का सया नजर आने लगा। इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब गर्मी तेज़ पड़ रही हो तो नमाज़ ठंडे वक्त में पढ़ा करो। अल-ख़वाब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में तेज़ धूप पर नमाज़ पढ़ने की शिकायत की तो आपने हमारी शिकायत को कबूल ना फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लम के साथ गर्मी की शिद्दत में नमाज़ पढ़ते हुए थे तो जब किसी के लिए नमाज में पेशानी रखना मुश्किल हो जाता तो वह कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर सजदा करता। नोट, जहर की नमाज के वक्त के बारे में फुकहा का इख्तलाफ, जवाज व अदम जवाज का नहीं बल्कि अफजीलियत का है। रवायत से तकदीम व ताखिर दोनों साबित हैं। मौसम गर्मा में अबराद और मौसम सरमा में तकदीम अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ठंडे वक्त में नमाज़ पढ़ने की हिदायत फरमाई वहाँ शिद्दत हार यानी तेज़ गर्मी की इल्लत बयान फरमाई और इल्लत मौसम सरमा में ना होने के बराबर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह।